आज मैं बनाने बता रही हूँ आपको खड़ी शलवार। तो यहाँ बच्चों के लिए हम खड़ी शलवार बनाएंगे, उस पर ना कली का यूज़ करेंगे और ना ही किसी किस्म की उसमें और कुछ बेल्ट वगैरह यूज़ करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पे सिंपल तरीके से बनाएंगे जो कि 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे अरस में डबल किया हुआ मैंने कपड़े को और मैं एक दफ़ा और फोल्ड करूँगी, तो पहले इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। यहाँ कपड़े में जो भी टेढ़ापन है पहले हम उसको ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पे 2 इंच का हम इस तरह से नेफा लेंगे। यहाँ पे ये इलास्टिक के लिए है यहाँ। और अब 10 इंच का हम इसमें आसन रखेंगे। अब यहाँ पे हमें मोरी रखनी है इसकी 6 इंच, तैयार ये हम 5 इंच रखेंगे। अब इस निशान को यहाँ इससे मिला लेंगे। यहाँ पे इसकी इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए शलवार की कटिंग हो गई है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें इसकी स्टिचिंग करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको इस तरह से खोलेंगे। यहाँ सबसे पहले हम आसन की सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखिए आसन की सिलाइयाँ इस तरह से लगा ली हैं हमने। अब यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें पाइचे तैयार करने हैं उसके, तो उसके लिए हम यारी बुकरम यूज़ करेंगे। पेपर बुकरम जो होती है उसको तो मैं यहाँ से कट करके धो कर लेती हूँ ताकि ये दोनों पाइचे में हमारे आराम से आ जाए। इतनी चौड़ी हमारी बुकरम है उससे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और यहाँ पर इसको भी कट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ बुकरम से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से इसको भी कट करके निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें इसको इस तरह से नापेंगे हम, 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे और 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रख के इस पट्टी को इस तरह से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो चमक वाली साइड है इसको हम यहाँ नीचे रखेंगे और इसके साथ इस पर इस तरह से रख के इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इसमें। ये पट्टी तैयार कर लेंगे हम पहले। और यहाँ देखिए शलवार का सीधा वाला साइड जो है ये सीधा साइड है हमारा, तो सीधा वाला साइड हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे इस पट्टी के साथ और इसको यहाँ पे एक पैच की सिलाई के साथ फिक्स कर लेंगे। तरह से हमने ये पट्टी को सिलाई करके लगा लिया है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से करूँगी मैं, तो ये पट्टी जो है हमारी बैक साइड पे चली जाएगी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये वाली लेस रख के लगाएंगे। फिर हमें सिर्फ इसका कंगूरा दिखाना है, तो यहाँ पे इस तरह से रख के सिलाई लगाऊंगी इसको। तो ये बेल का जो सीधा वाला साइड है वो रख के लगाएंगे हम, तो उल्टा वाला साइड यहाँ है और सीधा वाला साइड ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई के साथ इसको भी रख के लगा लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इस लेस को भी मैंने सिलाई के साथ लगा लिया है और अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह से करूँगी तो इसकी सिर्फ ये कंगूरे बाहर की तरफ आ जाएंगे और ये इस तरह से हम यहाँ पे किनार पे एक टॉप की सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और हमारी ये बेल भी फिक्स हो जाए इसके साथ। तो यहाँ देखें ये टॉप की सिलाई लगा लेने के बाद अब यहाँ पे हमें इसमें 2 से 3 सिलाइयाँ और लगा लेनी है ताकि ये हम शलवार वाला बिल्कुल इसका लुक आ जाए। देखिए मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा के पाइचे को तैयार कर लिया है और अब यहाँ पे हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हम इसको नापेंगे 5 इंच, तो 5 इंच का हम इसका पाइचा रखेंगे
और यहाँ पे इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगा के इसको भी हम साइड की सिलाई लगा के बंद कर लेते हैं। ये देखिए मैंने साइड की भी स्लाइस की लगा ली है और मैं सीधा करके दिखाती हूँ इसको। देखिए खड़ी शलवार बच्चों के लिए इस तरह से हम घर में आराम से तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने लेस का यूज़ किया है तो लेस लगने के बाद ये और ज़्यादा डिसेंट लुक दे रही है।